आप सब तो जानते ही हैं, जब से राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया है तब से उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और तब से लेके अब तक उनको होश नहीं आया है और वो वेंटिलेटर पे हैं। एम्स में भर्ती हैं देश के जाने माने कलाकार राजू श्रीवास्तव के लाखों चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। इलाज में जुटे डॉक्टरों का माने तो आगामी 10 दिनों में दौरान राजू श्रीवास्तव को होश आ सकता है। एम्स में कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर नीतीश नायक की देखरेख में डॉक्टरों की टीम उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। माना जा रहा है अगले सप्ताह तक उन्हें होश आ सकता है, हालांकि पूरी तरह से ठीक होने में अभी उनको समय लगेगा। दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में थोड़ा सुधार आया है, इसके बावजूद उन्हें अभी भी आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया हुआ है और जब से वो आए हैं तब से वो अभी होश में भी नहीं आए हैं। उधर एम्स के डॉक्टर से मिली जानकारी के अनुसार राजू श्रीवास्तव के मैनेजर नितेश सोनी ने बताया है कि अब वो मामूली रूप से राजू के हाथ पैर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें होश में आने में करीब अभी भी एक सप्ताह का समय लगेगा। 58 साल के राजू श्रीवास्तव को बुधवार को मेजर हार्ट अटैक आने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उसी दिन डॉक्टर ने उनकी एंजियोप्लास्टिक कर स्टेंट डाल दिया था, लेकिन तभी से वह होश में नहीं है। उन्हें एम्स में वेंटिलेटर पे रखे हुए 8 से 9 दिन हो चुके हैं। गौर मतलब है कि उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव के इंटरनेट मीडिया में बड़ी संख्या में फैंस हैं। उनके हार्ट अटैक की खबर सुनने के साथ ही कलाकारों व प्रशंसकों ने इंटरनेट मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को उस समय दिल का दौरा पड़ा जब वह जिम में वर्कआउट कर रहे थे। हार्ट अटैक के बाद जिम में मौजूद लोगों ने ही राजू श्रीवास्तव को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया था। शुरुआत में डॉक्टरों ने बताया था कि उनकी हालत स्थिर है, हुआ ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई जिनकी वजह से उनको वेंटिलेटर पे रखा दिया गया है। हम सभी तो यही चाहते हैं राजू श्रीवास्तव जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और वापस से अपने काम में लौट जाएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।